हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग घर पर ही हैं, आज सैटरडे है। इसका वर्क फ्रॉम होम था, सो आज हम लोग कुछ नया बनाने का सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ आइटम पड़े हुए हैं, तो और ये ओरिगैनो चिकन फ्लेक्स कहाँ से आया? मैंने रखी है। और ये इसकी क्या जरूरत है? ये बैट से क्या बनाने वाली है? ये हमारी बेस्ट है। ठीक है, तो ये कैबेज है, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वैसे बना क्या रही है तुम? बना रही है मंचूरियन और चाइनीज भेल विद मंचूरियन। सो ये बोल रही है कि चाइनीज भेल और मंचूरियन यानी मिक्स बनाने वाली है। चलो फटाफट बढ़ते काम, टाइम बहुत कम। ये हो गया 8 बज गए और अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 9:30 बज जाएगा। ट्राई करना फटाफट करने का। चलो लेट्स गो। मेरे लाइक कुछ काम तो दे रही है, तो बस बोलती है, देती नहीं काम। ये पूरा छीलना सब लगेंगे, सब इतना सारा डालेंगे पागल, गर्मी से नहीं मर जाएंगे। हां तो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो ये सब तो कचरा है, तो कुछ है उस काम चलाते हैं ऐसे। तो ये लहसुन कहाँ से लाई थी? कोबड़े बीच में से नीचे से ऐसे काट के बस। ओ हेलो, ऊपर नीचे नहीं, से बीच में से ऐसे काट के। अदरक लहसुन, अदरक देना, मैं अदरक करता हूँ। अदरक छील लो, इतना मत डाल मोटा, जल के राख हो जाएगी खाने में, लगेगा पागल। हम मंचूरियन में टेस्ट नहीं आएगा। हम मंचूरियन भेल बना रहे हैं। हाँ, तो मंचूरियन पहले बनाना है। तो मैं क्या बोलूँ, पहले मंचूरियन की तैयारी है ना? मंचूरियन की तैयारी करनी। तो ये सब क्या डाल रही है? दिखाई से पागल हो गई औरत, हमको जान से मारेगी टीका खिला। ये क्या कर रही है? क्या करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? खस 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 बस। बता दिया क्या मैंने, क्या बना रहे हम लोग? हाँ, यही तो सस्पेंस होता है। है इसे ग्रेट करेंगे ना प्रॉपर बारीक। हम सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं डालने वाले, दो चीज़। अजीनोमोटो कलर। वो तो जानलेवा है। वो क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? क्योंकि वो मुझे छीलने नहीं दे रहा है। कुछ मिर्चियाँ, या मिर्ची है या मिर्चा है पता नहीं। रुक जा, अपनी मत क्या? नहीं इसमें रहने दो, इसमें डाल दो साइड में। नहीं नहीं नहीं, इसमें बड़ी प्लेट है, बड़ी में नहीं रहना है। तो गाइस मैंने मिर्चियाँ चॉप कर ली है, ज़्यादा हो गई है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। स्किप करना है। मिर्चियाँ चॉप हो गई, अदरक मैंने छील दिए, ये अदरक घस रही है, इसने लगता है गार्लिक भी घस लिया है। गार्लिक घसा हुआ कहाँ है? उसमें मिक्स कर दे रही है। मिक्स करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स ही करना है। और दूसरा देना मेरे को आगे का चीज़। कैबेज काटना शुरू करो। कैबेज को ऐसे नहीं काटना है, पता कैसे काटना है? हिला दे और उसी में छोड़ दो, इसी टोप में। हाँ हाँ। तो ये गाइस कुछ कैबेज है, इसी को काट के हम लोग बढ़िया से एकदम। कैमरा कैसे ले या? कैबेज का तो कड़क पार्ट है, वो लेना नहीं है, बीच का स्टेम उसका ना, जितना बारीक ना अच्छा। ज्यादा बारीक मत कर, एक लंबा काट, उसके दो पीस कर, पतले पतले काट। मैं बहुत पतले काट रहा हूँ, नहीं तो इसको भी वही करना चाहिए। हाय अभियो। हाय हाय गाइस। ये माइक क्या हो, इससे तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड होगी। ये तो काम नहीं कर यार, माइक को भी नहीं छोड़ रहा, स्कूल नहीं जाता भाई। ये डालो पूरा उसमें। ये रेडी है, इसको भल मत कचरा है, ये रेडी है, अब इसमें सब ऐड होगा।
देखो हाय गाइस, हाँ घुमाती बोलता हूँ मैंने स्पून नहीं लाया एक ये नहीं घातक चीजों को हाथ नहीं लगाना है आपको वो सब चीजें छोड़ देनी है चम्मच लाओ एक अब जाएगा ये सो तेज आंच चटनी से हाय अबू हाय हाउ आर यू भाई साहब ये जाएगा अभी विनेगर ये वाइट विनेगर है टेस्टलेस जो रहता है वो लिया मैंने उसका नोज ये थोड़ा सोया सॉस चाइनीज है तो चाइनीज फ्लेवर्स डालने पड़ेंगे ये ग्रीन चिल्ली अब इतना सा डालते हैं फिर पहले तो मिक्स करते हैं पानी पानी ना को छोड़ो इसमें मिक्स कर दो ऐसे ही मिक्स करो ना और आ गया मैंने ये रेड चिली पाउडर डाला सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला सो गाइज अभी तेल को गर्म करने रखना है सो वो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू ऑल ईट यू ऑल डू बट मैं है ना वेजिटेबल ऑयल यूज करने वाली हूँ जो जर्मनी का वेजिटेबल ऑयल आता है वनस्पति इट इज गुड इट इज लाइक अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ऑयल सो या आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर द सेकेंड टाइम मैंने पहले भी मेरे घर पर यूज किया हुआ है सो इस ये है ना थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है इसको सो लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है इसलिए मैंने गैस गर्म करने रखा है मुझे ये ऑयल को ऐसे निकालना पड़ेगा थोड़ा सो गाइस इतना रेडी है इधर का पूरा तो पहले हम फर्स्ट फर्स्ट मंचूरियन बॉल्स बना लेते हैं हाँ थोड़ा डालना पड़ेगा इधर लाओ मैं करती हूँ उसको हाँ तो तुम उसको इधर लाओ अरे ऐसे मत चटके इसको ना बंद ही कर बंद कर तो वही ना करेंगे तब तक आपके फेस में बंद तो भाई ये इज द फर्स्ट बैच अभी बहुत ही नॉर्मल है ना मेरे को उसका बढ़िया लग रहा है चल ठीक है जैसा भी जो भाई हमारे टारगेट में मतलब हमें बहुत टारगेट ठीक है जो सब ये मेरी इंसल्ट करके गए अभी क्या Thank you.
मंचूरियन जैसी आ रही है, अब आगे कैसा हो जाएगा। हाँ वो देख रही है, मैं उधर काटती हूँ। यहाँ से वीडियो हैंड ओवर हो चुका है, कैमरामैन शुभम और रिपोर्टिंग भी शुभम। मुझे बहुत अच्छा वीडियो दिखाया और ये बिल्कुल अलग है, तो जो वीडियो मेरा देखेगा वो शायद मुझको हंसेगा और शायद हंस भी रहा होगा जो देख रहा है। उनका कलर बहुत अच्छा चेंज हो गया, बच गया, ये दोनों हो गए। जब तक मैं फाइट करता तब तक आप देखो कि वो मंचूरियन यहाँ ही नहीं है। मंचूरियन क्या बना रही है, चाइनीज ब्रेड। गाइस अभी मैं उधर शुभम मंचूरियन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मंचूरियन भेल जो बनाने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये जो टॉस होंगे वेजिटेबल्स उसको कट कर रही हूँ मैं। वेस्ट है तो मैंने गार्लिक और लहसुन तो काट लिया है, थोड़ा कैबेज भी टॉस करेंगे ना। गाइस इसको बहुत बारीक काटना पड़ता है, बस ये टॉस होगा तब जाकर वो भेल में जाएगा एंड इट मस्ट टेस्ट लाइक दैट। सो इसके लिए इसको टॉस करना है। अभी बारी है हमारे कैरेट कटिंग की, तो लेट्स कट द कैरेट। आई डोंट नो हाउ टू कट अ कैरेट, सो प्लीज let me know if I'm cutting it in the right way or not. I know it's not the right way. Yet I'm doing it. Well, I don't have any other option. मुझे कुछ कुछ वेजिटेबल्स है जो नहीं आ रही काटना, जैसे ये टॉस करने के लिए। नो अबू, लीव दैट। आई गेस दिस इज इनफ फॉर टॉसिंग। सी, लुक एट हिम नाउ। ही इज गोना Now it's time for the capsicum. So here are the capsicum. Capsicum ko baar karna is literally. अभी गाइस अभी ये मैं ऑनियन कट कर रही हूँ, फाइनली चॉप कट करना होता है गाइस, वो तो मुझसे होता ही नहीं है बट मैंने इस बार बहुत ज़्यादा ट्राई किया। तो गाइस ये हमारा प्लेटिंग रेडी है, ये हमारा सेजवन चटनी है, उस पे स्प्रिंग ऑनियन है एंड कैबेजेस डाले हैं मैंने थोड़े बहुत, एंड ये हमारा प्लेटिंग है जो मंचूरियन बनाया है उसके रिगार्डिंग। और अभी चलिए बनाते हैं हमारा मंचूरियन भेल या फिर ग्रेवी, जो भी बोल सकते हैं आप। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑयल हीट कर लिया है, उसमें मैं पहले तो कैबेजेस डालूंगी। कैबेजेस इनको ना, इनको पकाना नहीं है, टॉस करना,
ओनली अ टॉस, गिविंग अ वेरी गुड टॉस विल डू, सो वही करना है. तो यस, अच्छे से टॉस करना. ओह शिट, मैं तो इसमें अदरक लहसुन डालना भूल ही गई. ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डाल दूंगी बीच में ही, कैसे डालती हूँ मैं दिखा दूंगी. तो अच्छे से टॉस करना है. तो गाइस आप लोगों को ऐसे रेसिपीज देखने हैं तो वो भी बता देना, ताकि हम अच्छे से डाल सके रेसिपीज. काफी अच्छे अच्छे रेसिपीज डालेंगे हम सब, तो दिखा देना. अभी मैं इधर थोड़ा सा ऑयल अलग से हीट करूंगी उसी कढ़ाई में, एंड डाल दूंगी उसके ऊपर जो अदरक लहसुन है वो डाल दूंगी ऐसे. तो हाँ मैं बोल रही थी कि रेसिपीज आप लोग को जो जो रेसिपीज चाहिए ना बताइए, हम हो सके तो जितना हो सके हम ट्राई करेंगे बनाने का. एंड देन या ये मंचूरियन है, ये हमारा प्लेट है. सो अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल देती हूँ, जो हमारा मंचूरियन ग्रेवी है उसमें कैप्सिकम डाल देती हूँ. कैप्सिकम डालने के बाद अभी हमने यहाँ पे ये देखिए ये कुछ तो दिखा, आई गेस ये स्प्रिंग अनियन का ऊपर का एकदम ऊपर का पार्ट था ना, ये रह गया था तो देखा नहीं मैंने, तो इनको दिख गया है. तो यस योर इट इज, फेंक दो. यस फेंक दो. तो या ये कैरेट डालूंगी एंड ये सब. तो एंड तक आप एंजॉय कीजिए, हम बना दे रेसिपी. तो फटाफट अभी कर लेते हैं, बिकॉज ज्यादा वीडियो को खींच के भी कोई फायदा नहीं होता इसके लिए. तो मैंने यहाँ पे सारे वेजीज डाल दिए हैं. वेजीज डालने के बाद इसको अच्छे से टॉस कर लिया है. अच्छे से टॉस करने के बाद भी जो सॉसेस है, दैट इज द डार्क सोया सॉस. रणवीर ब्रास को तो आप जानते ही होंगे, इसके रेसिपीज काफी अच्छे होते हैं. और अभी ये विनेगर है, हम कोई ये नहीं कर रहे हैं ब्रांडिंग, हमने जो भी मिला वो उठाया है. ये ग्रीन चिली सॉस है, रेड चिली भी आप यूज कर सकते हो आपको चाहिए तो. ये कॉर्नफ्लावर है जिसका स्लर डालने वाले हैं. ये सेजवान चटनी में डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड हिसाब से आप डाल सकते हो, डोंट गो अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट. एंड फिर ग्रीन चटनी, आप रेड चटनी रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो इफ रिक्वायर्ड, इफ यू वॉन्ट. ओके अभी इसमें 2 चम्मच 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर डाला है मैंने. और फिर अभी इसमें ब्लैक सोया सॉस डालूंगी, जो सोया सॉस होता है. ये भी आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट डाल सकते हो. ओके तो अभी मंचूरियन काट के ये सब मिक्स कर दिए है. अभी हमको वो स्लर डालना है, 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर और उसमें पानी ऐड करके हमने डाला है, ताकि ये ग्रेवी अच्छे से बने. ग्रेवी को अच्छे से कुक करना है. कुक करने के बाद इसके ऊपर आप इसको अच्छे से ग्रेवी बना के भी खा सकते हैं एज अ मंचूरियन ग्रेवी, या फिर चाहिए तो उसके ऊपर से आप नूडल्स डाल सकते हैं, जो नूडल्स भेल है बनाना चाहते हैं. ये नूडल्स भेल बन के रेडी है हमारा.